हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू एवीएन नानोज व्लॉग। तो बात इतनी है कि हम अभी सोए थे, अभी 3-2 बजे आई गेस हमने जब व्लॉग एंड किया है, और अभी 5:30 ही, हाँ मतलब वही 2:30 बजे सोए हैं आई गेस, और अभी 5:30 ही बज रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं 5:30 बजे। और सिर्फ मैं नहीं उठी हूँ, सिमरन भी उठ चुकी है, नानो भी उठ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मैंने यहीं पर दोनों को दिखाया था और ये दोनों यहीं बैठे हुए हैं, और लिटरली बोल रहे हम लोग सो गए थे, हम तीनों सो गए थे, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, कुछ एक आवाज़ जो हम स्पेशली मुझे नहीं, हम तीनों को ही सुनाई दी है वो, और उसको सुनते ही हम ऐसे खड़े हुए हैं सर, हमें ऐसा लगा कि वो आवाज़ थी और कुछ है विंडो के पास, मतलब तो कोई विंडो पे गया है, जैसे कोई चूहा या बिल्ली ऐसा, बट आई वी डोंट नो कि वो था गया, लेकिन बहुत अजीब सी आवाज़ थी, मुझे तो आवाज़ भी याद नहीं है, बट वो आवाज़ उससे हम तीनों एक बार में एक, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आँख खुली है, सो रहे हैं आँख खुली, हमने लिटरली उठ के बैठ गए हैं तीनों के तीनों, क्योंकि मेरी नींद तो बहुत ही गहरी होती है, 5:30 बजे तो शायद ही मैं उठती हूँ कभी, और तीनों एक साथ उठे हैं, और हमारे साथ पता नहीं भैया अचानक से क्या हुआ है, लिटरली बताते हुए मेरे को ना ऐसे गूज बम्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये देखो मेरे गूज बम्स, नानू इनफैक्ट हमारे घर में सबसे स्ट्रांग नानू है, वो नानू को भी गूज बम्स आ रखे थे देर से, और ये तो हमारी है ही, ये तो विंडो के पास थी, इसको और डर लगना चाहिए, मतलब कुल मिला के हमें कोई शर्म नहीं आ रही कि हमारी फटी पड़ी है अभी तीनों की, झुंड में चलो झुंड में चलो। तो अब हमने उस डर को भगाने के लिए पहले महामृत्युंजय जाप मंत्र जो है वो सुना, और अभी हनुमान चालीसा चल रही है, तो हमारी फटी हुई है, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ कहना चाहती हो तुम? चुटकी में उठे किसी ने एकदम उठा के बिठा दिया, सच में भी उठा हुआ था, अभी ढोलू जाके उधर बैठा, इतना नॉर्मल बैठा है कि जैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, हम फालतू में उठे हैं, मतलब बहुत शांत होके बैठा है वो, ऐसा कभी होता नहीं है कि हम सारे उठे हो ऑल ऑफ सडन, वो भी विंडो के बाहर ही देख रहा था, तो हमें पता नहीं क्या अजीब सा ही लग रहा है यार, पता नहीं मैं समझा नहीं पा रही कि वो क्या फीलिंग है, लेकिन वो बहुत ही अजीब फीलिंग है, जिसकी वजह से अभी हमें नींद नहीं आ रही है, कैसा था जोर से कुछ सामान बजा और उसके साथ ही आवाज आई जोर से चिल्ला के, बहुत गंदी आवाज, मतलब वो आवाज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं, कि वो मैं बिल्ली की भी नहीं मान पा रही हूँ, वो गारंटी है, हाँ ना मैं उसे बिल्ली की मान पा रही हूँ ना किसी की, तो बहुत गंदी आवाज, बात है जब वैसे चिल्लाना था ना कि या तो वो ठुक गया है, या तो किसी के मुंह में आते हुए बच गया है, या पता नहीं, मैं इसको बात को ना याद करते हुए भगवान जी की चर्चा सुनते दोबारा से, क्योंकि हम उसी गंदे जोन में है अभी, गाइस पता नहीं जो डर हमें बहुत टाइम से लगा हुआ था, अब जाके हमें शांति मिले, क्योंकि हम अभी अभी भगवान जी के पास आए हैं, अंदर गए थे, दिखा देती यहाँ से, तो हम भगवान जी के दर्शन करके आए हैं, नहीं बहुत टाइम वहाँ बैठे हैं, हम ऑलमोस्ट आधा घंटा, और दिस इज व्हाट वी गॉट नाउ फ्रॉम भगवान जी, कि बेटा उन्होंने बोल दिया बेटा घर जाओ डरो मत, घर में सब सही होगा, अब हम हिम्मत जुटा के वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था, और मैं शायद ऐसे बिना नहाए धोए सुबह सुबह उठ के पहली बार आई हूँ ऐसे मंदिर में, वो भी एक डर की वजह से, नॉर्मली जाना होता है वो बात अलग होती है, लेकिन एक डर में आए हैं हम लोग यहाँ पे आज, और जैसा बोला जाता है कि जब भी आपको डर लगे तो आप हनुमान चालीसा, हमने वो सब किया, हम हनुमान जी के मंदिर ही आ गए, मतलब आप समझ लो कि हमें कितना गंदा डर लग रहा था कि हमें ऐसा करना पड़ा, और हम ऐसे भगवान जी के पास ही आ गए, और अभी हमें वापस घर जाना है, और एक्चुअली ये देखो कन्फर्मेशन के लिए 7:45 बज रहे हैं अभी लिटरली 6:46 हो रहे हैं, हम लोग 5:30 बजे ही जैसे वो चीज़ हुई है, और उसके बाद हम 6 बजे आ गए हैं यहाँ पे, पता नहीं अभी घर जाके ना मेरे को थोड़ा सा अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो एक अजीब सी हमें वाइब्स आई हैं वो घर पे अभी भी होंगी कि नहीं होंगी, बट वो फॉर द बेस्ट, हम अच्छा ही करेंगे, होंगी तो हमें अब अच्छा करना है घर जाके, वो वाइब्स आ गए एनीवेज, घर हम तब नहीं है, चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, सो लेट्स गो एंड क्या बोलते हैं जय माता दी, वी विल रॉक। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे मेरे ऑफिस में, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बैंड्स आए हुए हैं, इतने सारे लेके बैठे पकड़ो मेरे राखी क्या दूसरा बोल रहे हम लोग
देखो हमारे सारे सबके हाथ में बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड बने हुए हैं। ऐसा दिखा रहा पागल, ऐसा ठीक से। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, आपने देख लिया है मेरे ऑफिस में सेलिब्रेशन हो रहा था। तो ये रहे मेरे फ्रेंडशिप बैंड जो उन्होंने पहनाए हैं मेरे को। और जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो तो उस दिन है फ्रेंडशिप डे, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फैमिली, टू ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, बस मैं चेंज करूँगी और मैं वेट करूँगी नानू का, क्या कि नानू भी शायद जल्दी आ जाएगी क्योंकि सैटरडे तो सैटरडे ऐसे मान लो हम जल्दी आ जाते हैं। मिलते हैं आपसे जब नानू आ जाएगी तब। क्योंकि इसका ऑफिस बेकार है, क्योंकि मेरे ऑफिस में इवेंट चल रहा है। तुम्हारे ऑफिस में लोग नहीं होते कभी? इवेंट में लोग नहीं होते हैं, सब अपने काम में बिजी हो गए मेरे ऑफिस में। हाँ, सब कुछ नहीं पड़ी ऑफिस में, सब कहीं ना कहीं बिजी होता है, लेकिन इसका ऑफिस बेकार है। देखो जो देखो मेरी बेटा को, मेरी बेटा मेरी बेटा को देखो, कहाँ जा रही है बेटा, कहाँ जा रहे हो आप, अब कहाँ जा रहे हो? सुने चलो किचन में मैंने जाना, तो कैसे कर रहा है उसके साथ? हाँ बेटा, मम्मा जो आज का दिन है, जो स्टार्टिंग जिस चीज से हुई है वो चीज थोड़ा सा हमारे लिए डिस्टर्बिंग रहा है आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं। और मैंने अपने ऑफिस में भी सबको उगा दिया, डुको को बताया, पारुल को बताया, मैंने सबको बता दिया, बस मैंने अपने घर में नहीं बताई ये चीज क्योंकि मेरी बात भी नहीं हुई घर पे। नाना के घर में सबको पता है बट मैंने घर में नहीं पता, मेरे घर वाले ना इस चीज से मानते भी नहीं है। बट मैंने सोचा कल आराम से बैठ के बताऊंगी कैसा हो गया, बट वैसे आप जैसे रात होती जा रही है हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हम जा रहे बाहर, पता नहीं क्या हो रहा है यार। मतलब ये मेरे लिए पहली बार ऐसा मेरे को ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे को कभी ऐसा होता नहीं है। तो हम ढोलू को लेके, नानू, मैं और स्मिति, हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। सो लेट्स गो। हाँ, तैयार हो के, इतनी तैयार हो के कहाँ जा रही है तू? अच्छा, ये देखो गाइस, ये मैकडी के लेके ब्लैक में बेच रही है, यही मैकडी से लेके, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास मैकडी का ऐप है जिसमें सस्ती मिलती है, इसमें ले आई सस्ती और ये पूरी की पूरी महंगी दे रही है हमें। ये देखो, ये देखो ढोलू को, ये देखो स्मृति को, ये दो दो खाएगी, चंटो खाएंगी कुछ। हम घूमने के बाद आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे हमें आशीष लेने आ गया था, तो हम आ गए आशीष के घर क्योंकि हमें अभी भी हमारे घर में शायद अभी जब सोने की बात आई तो मैं नानू से पूछा कि यार कहाँ सोना है, तो हमारे ऐसे हालत हो रखी थी कि यार रूम में नहीं सोएंगे और हम बेड गद्दा उठा के हॉल में रख लेते हैं, तो हम हॉल में सोएंगे। फिर हमने स्मृति को भी पूछा कि अगर तुझे आशीष के घर आना है कि नहीं, साथ में चल सकती है, तो उसने मना कर दिया, तो वो घर पे ही है और हम नानू और मैं दोनों आ गए हैं आशीष के घर। यहाँ आशीष का घर छेवी अगेन, तो मिलवाते हैं आपको भी। लेट्स गो इनसाइड। जूम 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 ठाठा। बहुत फोकस्ड है हमारा लड़का शाने, और इस लड़के ने अभी चाय बनवाई है रात के 2 बजे बनवाई है। मैंने बनाई है चोटी, इसकी चोटी ये बनाई है नानू ने मेरी चोटी, और मैंने लगा दिया है ऑयल। अब हम जा रहे हैं नीनी करने क्योंकि हम आए हैं आशीष के घर पे जैसा आपको बताया है, और अब बस हम सोने जा रहे हैं और यहाँ पे हम करेंगे ब्लॉग एंड। और आपके क्या राय है हमारे साथ जो आज हुआ, जो घटित हुआ, उस पे आपकी क्या टिप्पणियाँ हैं, आप प्लीज़ हमें बताएं। आई डोंट नो कि भाई हम उसको सही माने या नहीं, बट जो हम इसमें क्या कर सकते हैं ये भी बता सकते हो हम, अगर आपको कुछ पता है तो। कुछ नहीं कर सकते, भगवान का नाम लो बस, ये बात भी सही। जोर से बोलो जय माता दी, हर हर महादेव। ओके, तो बस भगवान का नाम लेते ही आज सुबह से हम भगवान का नाम इतना ले लिया है कि साथ, मतलब हम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन आज इतना वो डर की वजह से होता है ना, आप घर वालों के बात करते हो या फिर अपने भगवान को याद करते हो, तो वैसे ही आज हमने बहुत ज़्यादा ही भगवान को याद किया है और हम नहीं चाहते कि जो हमने आज फेस किया, जो फील किया, वो हम आगे करें। बिल्कुल। तो एंड आई सीरियसली जो हमने आज फेस किया है ना, मैं ये चाहती भी नहीं हूँ कि आप लोगों के साथ भी हो, आप कभी आपको ऐसा टाइम भी देखना पड़े कि आप वो फील करो,
और बड़ा ही अजीब, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि घर पे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, इसलिए हम आशीष के पास आ गए, वो हमसे हम देने आ गया तो हम आ गए इधर। तो बस यही बात है और हम जा रहे हैं नीनी करने, यहाँ करते हैं वाला ब्लॉग एंड। आई होप आज का एनीवेज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस दिन है फ्रेंडशिप डे, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, नानू ने अब बोल रहे थे ना, दोबारा से बोल हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। तो फैमिली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फैमिली, प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है, व्हाटएवर इट इज, ये है ये। तो इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, आपको करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पर सबका लिंक। ओके बाय, गुड नाइट टू दोस। ऐसा नहीं लगता है वो जो हर एलआईसी बेचने वाला ऐसा नीचे लिखता है टीएनसी अप्लाई, वो तेरा ऐसा ही है।